मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीतने नहीं देगी इंडिया, वोट कटुआ बनेगी आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, विपक्ष की फूट से होगा बीजेपी को फायदा, केंद्र की राजनीति देखें तो इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, लेकिन वहीं राज्य चुनाव में यह गठबंधन कांग्रेस के गले की फांस बन रही है। 2018 में जहां कांग्रेस ने अकेले लड़ा था चुनाव, वहां अब आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ करना पड़ सकता है सीट शेयर। दोनों ही पार्टियों ने कर दी है सीट की मांग, सीट नहीं दिया तो अकेले भी लड़ लेंगे चुनाव। इससे विधानसभा चुनाव के साथ साथ गठबंधन के ऊपर भी पड़ेगा असर, कांग्रेस की दुविधा बन गई है गठबंधन, केंद्र की सत्ता पाने की लालसा में राज्य में उठाना पड़ सकता है नुकसान। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने 39 प्रत्याशियों का कर दिया ऐलान, वहीं कांग्रेस अब तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान न कर पाई, हो गया खुलासा। लेकिन गठबंधन के सहयोगी पार्टियों ने कर दिया है कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान, गठबंधन के सहयोगी दल आम सपा ने डाल रखा है कांग्रेस को असमंजस में, सामंजस्य नहीं बिठाए तो कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है नुकसान, बीजेपी को मिल सकता है बड़ा फायदा। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको पूरी कहानी बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मामला क्या है, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस से 7 सीटें मांगी हैं, पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई, अब सपा भी उसी राह पर है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी दुविधा में है, एक तरफ जहां विधानसभा की 39 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, वहीं कांग्रेस को प्रत्याशियों के चयन में मुश्किल आ रही है। कांग्रेस को प्रत्याशी चयन में सबसे बड़ी मुश्किल गठबंधन इंडिया के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की वजह से आ रही है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल है गठबंधन इंडिया के सहयोगी दल सपा और सपा के साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा जाए। गठबंधन इंडिया के सहयोगी दल सपा और आप ने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया। मध्य प्रदेश की लड़ाई 2024 की राह में बन सकती है रोड़ा। गठबंधन इंडिया की अगले महीने अक्टूबर में भोपाल में साझा रैली होने वाली है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सपा और आप के नेताओं ने कांग्रेस हाईकमान के समक्ष यह सवाल रख दिया, अगर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर साझा रणनीति नहीं बनती है और मध्य प्रदेश में गठबंधन इंडिया के सहयोगी दल मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में इंडिया गठबंधन द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ सामूहिक एकता की जो हुंकार भरी जा रही है उस पर असर पड़ सकता है। सीट बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सत्ता पाना हो सकता है मुश्किल। कांग्रेस हाईकमान के सामने यह दिक्कत है, यदि वह मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर सपा आपके साथ कोई समझौता करती है राज्य में कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर हो जाएगा। संभव है विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने और मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर जाए। अब तो यह वक्त बताएगा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का क्या फॉर्मूला तैयार होता है। हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 10 उम्मीदवार घोषित किए, वहीं सपा ने भी 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने खोला था एक सीट के साथ खाता, वह आम आदमी पार्टी को मिले थे नोटा से ही कम वोट। मध्य प्रदेश विधानसभा 2018 के नतीजों को देखें तो यहां अकेले कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं भाजपा 109 सीटों पर रह गई। समाजवादी पार्टी ने एकमात्र सीट के साथ अपना खाता खोला था, वहीं आम आदमी पार्टी ने 131 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और नोटा से भी कम वोट प्राप्त किया। लेकिन अब इंडिया गठबंधन बनने और आम आदमी पार्टी और सपा के गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद कांग्रेस से दोनों पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों की साझेदारी मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस शुरू से कहती आ रही है यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना है, पर अब दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर अड़ गई हैं। दोनों ने तो कुछ न कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई और कांग्रेस ने इसे वक्त रहते हुए मैनेज नहीं किया तो फिर कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं।